हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमएम टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास जियो का 101 के सेट है और इसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इसमें पासवर्ड लगा है। तो हम इसे हार्ड रीसेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल में हार्ड रीसेट थोड़ा अलग है। आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसमें हार्ड रीसेट करना बहुत आसान नहीं है किसी और मॉडल की तरह। तो आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा हार्ड रीसेट कैसे करोगे, पिन को आप लोग रिमूव कैसे करोगे। अगर आपको फ़ोन में पिन लॉक लग गया तो आप लोग इस वीडियो देखकर आप लोग हार्ड रीसेट करके पिन लॉक को अनलॉक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर को ऑफ कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने पावर को ऑफ कर लेता हूँ, सिंपली से मैंने बैटरी को एक बार रिमूव करके फ़ोन को पावर ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से बैटरी को लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा बैटरी थोड़ा सा डिले में है इसलिए कैटिस यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोन को ढक्कन लगा लेना क्योंकि बैटरी ना हिले, इसलिए सबसे पहले हमको जीरो जो हमारा जीरो बटन और रेड बटन दोनों एक साथ प्रेस कर रखना होगा जब तक के लिए फ़ोन ना ऑन हो जाए। सिंपली से यहाँ पर जीरो बटन हमारा जो है और पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं, जब तक जियो लगा है हम जीरो बटन को छोड़ देंगे, पावर बटन छोड़ देंगे, लेकिन जीरो बटन जो हमारा जीरो बटन है उसे नहीं छोड़ना है जब तक लिए हमारा डाउनलोड मोड ना आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर नीचे लास्ट वाला ऑप्शन पर यहाँ पर लाना होगा। तो सिंपली से हम यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पर लेकर आता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस बटन वाला को प्रेस करके यहाँ पर आप लोग नीचे के बाद ले आए। सिंपली से जैसे नीचे आएगा आप लोगों के पास दो एक और बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपका डाटा रीसेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन भी, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे भी। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली से आपको इस वाला बटन को प्रेस करना होगा, उसके बाद जो हमारा डाटा रीसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जियो लिखा आ गया, उसके बाद यहाँ पर लिखे दिखाई देगा डाटा रीसेट डन। आप लोग यहाँ पर इस तरह से प्लीज़ वेटिंग लिखा हुआ आएगा, तो आपको वेटिंग कर लेना है थोड़ी देर, उसके बाद यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा डाटा रीसेट डन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल डाटा रीसेट डन हो चुका है। उसके बाद जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। जैसे फ़ोन रिबूट हो जाएगा हमारा फ़ोन का पिन जो लगा था वो रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली से आप लोग थोड़ी देर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हमारा पिन लॉक लगा था फ़ोन में, तो पिन लॉक नहीं देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जियो फ़ोन में थोड़ा हार्ड रीसेट करना डिफरेंट है, इस वो अलग अलग फ़ोन से इस फ़ोन थोड़ा अलग है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हार्ड रीसेट करके फ़ोन को अनलॉक कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मॉल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों का इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर वीडियो का आप लोग लाइक नहीं हो तो लाइक कर दो, कि आप लोग को एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जियो लोको लिखा हुआ आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट कर लेना। जैसे आप लोग वेट कर लेगा आपको पासवर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर जियो लोगो कुछ देर के लिए अटक रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ी देर वेट कर लेना है जब तक के लिए फ़ोन कम्प्लीट ना हो जाए, तो आप लोग वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आप लोगों को दूसरा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सिंपली से यहाँ पर आप लोगों को दूसरा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली से हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोगों को नेक्स्ट करके फ़ोन को ओपन कर लेना है। यहाँ हमारा सेटिंग है, जैसे न्यू फ़ोन आता है उसी की तरह से ऐसे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हार्ड रीसेट हो चुका है, हमारा जो पिन लॉक था वो रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी फायदेमंद लगा तो अपने दोस्त का साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के मिलते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।